ये जी इस टाइम हम नथिया गली हैं और ये गाड़ी इस टाइम अपने टायरों पर तो नहीं चल पाएगी, इसे स्नो चेंज करानी है। तो इसके एक तरीका ये है कि ये ईंट नीचे रख दिया हमने और ये फैसल भाई बीच में बैठा है, आगे ले आए, ये ईंट के ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे। बस 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 दोनों साइड हो गई, दोनों साइड। हाँ जी दोनों साइड हो गई। जाओ हाँ जी उधर भी जाओ। ये जी हमने दोनों टायर जो है वो ईंट पे कर ली है। अब इस पे स्नो चेंज चलाना बहुत आसान है, वैसे सो स्नो चेंज मुश्किल हो जाती है। ये क्या चीज़ है नीली पीली सी? ये स्नो चेन, ये स्नो चेन। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। इसका जो ये पाइपिंग रह रही है ना, ये टायर की बैक साइड पे जाता है। ठीक हो गया, जो चेन है आगे से आके हुक होंगी सारी। हमने एक गाड़ी पे खड़ा कर ली पहले, ताकि गाड़ी से चेन आना आसान हो जाए। हाँ मतलब चेन आगे, चेन आगे शिफ्ट करो वहाँ से, अच्छे से सीधे उधर आके सामने आके बैठो। इधर जी आएगी पकड़ना बैठा आगे से। इस टाइम जो है वो रोशनी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो ये गाड़ी के टायर के पीछे से वो उसका वायर वाला हिस्सा पीछे लेके गया। ये स्नो भी शुरू होगी दोबारा, बहुत तेज स्नो शुरू हो गई जी। ये मेरे कपड़ों पे आ रही है। ये क्लिप है ना, ये लॉक करना है इसको, ये लॉक पर खींचना ताकि लॉक निकले ना वापस। अब इसकी भी चले जाएगा वापस, स्टॉप कर दो। टायर हमने टर्न कर लिया जी। ये जी ये स्टाइल होता है जी चेन का। छोड़ना नहीं बात, अच्छा ये ऐसा लग रहा है ऐसे घुमाते जाते हैं, सब चेन चाहते कि वो चलेगा, नया सिरा नीचे से आ जाएगा। देते हैं, छोड़ना नहीं भाई। जी अभी मैंने पता किया, वैसे ही हमारे पास तो चेन थी तो यहाँ के मुकामी से कि जी चेन चलानी है, कहते जी 5 किलोमीटर का जो है ना मैं 3,000 रुपये आपसे चार्ज कर। ये लॉक है पहले लगाया, ये लॉक लगाया ऐसे ना, दो पार्ट इसे कनेक्ट किया आपस में। ये देखिए ये आखिरी लॉक है, ये
ये दो चेन का स्टार्टिंग है, ये चेन की एंडिंग है। मेरे हाथ में दाएं हाथ में एंडिंग है ये, और ये बाएं हाथ में इसकी स्टार्टिंग है। जब आखिरी हुक्म लानी है ये, ठंड की वजह से हाथ नहीं चल रहे फुल स्टेम। जितनी टाइट होकर चाहते उतना फायदेमंद आपके लिए। टेम्परेचर है इस टाइम, देखिए छोड़ दें आप। और आ जाएंगे यार, इतनी बर्फ है जितने मर्जी बना लो। चुड़ा ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਈ ਹੁਣ ਖਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਪ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਈ ਹੋ ਛੁਰੀ ਹੂੰ ਆਣਾ ਬਈ ऐसे ही गल दसा जी, इन्ना रिंगा चुग गुजारो कि इनू कवर दे, नहीं समझे ऐ जेडे। हाँ जी हाँ जी, ਗਫਰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਖਿੱਚ ਪਾਉ ਨਾ ਯਾਰ, ਐਰ ਸਿਟੀ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਕਰੋ 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 ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚਿੱਕਾ ਮੈਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈੜ ਮੋੜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਕੱਟ ਜੀ ਹੋਰ ਕਟਾ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੱਚਸ ਫੜੋ ਮੱਚਸ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਮੱਚਸ ਫੜੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾ ਮੱਚਸ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਸੁ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਆਉਟ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੋਗਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਫੈਸਟ ਭਾਈ ਅਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਾ ਚੇਨ ਮੇਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੇਨ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਹਮ ਗਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਕਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋ ਸਲੋ ਵੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਚੇਨ ਖੁੱਲ ਜਾਤੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਉਸਕੋ ਖਿਚਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗ੍ਰਿਪ ਮੇਰੇ ਕਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਟਾਇਰ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਇਰ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈਂ।
कड़ी के सीना सा लानी जिदा ए बोली ली कड़ी वाले ये हमारे पास भी ये पड़ा हुआ पंजे वाला। उधर से तुम्हारा टायर डन हो गया, अब इधर वाले टायर के लिए कर रहे हैं फैज भाई। हमारे दस हाथ लगो जरा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता ना वो ये हुक होती है। सारी यार भाई तू छड़ी ना, उन्हें नाल आ जाए ना यार, इधर हेल्प करा दे। थले आ जाए यार, ना लग जा मेरे हाल में। इसके बगैर अपनी गाड़ी लेके आना फजूल है, जान से खेल रहा है। अब ये बंदे से पूछा है, वो कह रहा है जी मैं आपको 10 किलोमीटर आगे तक छोड़ के आता हूँ, 5,000 रुपये लूँगा। और मुजफ्फर भाई ने कहा जी भाई साढ़े को अपना निजाम है, तू लगा जा मौज कर। फैज भाई ये आप आते रहते इसलिए ये अपनी चेन है जी, हाँ बस दो सेट है माशाल्लाह। पीछे भी लगाना है क्या आगे सिर्फ? नहीं, जो टायर जिस टायर पावर होती है ना, जिस टायर ने घूमना होता है पावर स्टीयरिंग पे लगता है। अगर जो कैरी डब्बा उसके पीछे लगता है उसके पीछे पावर है। बेटा ये कागज मुझे दे दे। सीधे जी एक नीचे रह गया, ये क्यों लूज हो गया?